हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम कोई नया टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे बेटा। आज की वीडियो में जस्ट हम समरी देखेंगे कि अभी तक जो हमने ऑनलाइन लेक्चर्स मैंने यहाँ पोस्ट किए हैं, वीडियो जो बनाई है, उन सब टॉपिक्स की हम समरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के जो टॉपिक है वो क्या है, समरी ऑफ टॉपिक्स कवर्ड बाय ऑनलाइन लेक्चर्स। और आपको ये पता है ऑनलाइन लेक्चर्स कब से स्टार्ट हुए थे, 23 मार्च, और आज तक यानी कि टिल नाउ जो आपके 17 अप्रैल। तो कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए हैं, कौन से चैप्टर था जो हमने डिस्कस किया है, तो सारे के सारे हमने यहाँ टॉपिक्स दोबारा जस्ट एक एज ए समरी हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ताकि आपको फिर थोड़ा सा रिवाइज हो जाए कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं और क्या उसमें रह गया है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो हम यहाँ देखते हैं कि जो सबसे पहले टॉपिक हमने पढ़ा था वो क्या था, सरफेस केमिस्ट्री, है ना, यूनिट 5th क्लास 12th पार्ट 1। तो पार्ट 1 हमने यहाँ लेके चले थे, तो हाफ जो आपका चैप्टर था वो ऑलरेडी हमारे क्लास में कंप्लीट हो गया था, हाफ जो बचा था उसी के मैंने आपको वीडियो लेक्चर बना बना के आपको प्रोवाइड किए थे। तो जो फर्स्ट पार्ट हमने निकाला था, है ना, जिसका नाम क्या था कि कोलोइडल पार्टिकल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट पार्ट जो हमने डिस्कस किया था या जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी वो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन की हमने उसमें डिस्कस की थी। ठीक है, नीचे मैंने लिंक भी आपको दे रखा है वीडियो का, अगर आपके पास लिंक नहीं है तो इस लिंक पे जाकर आप इसको क्लिक कर सकते हो, कंट्रोल और साथ में क्लिक आपको वहां पे प्रेस करना है, जिससे डायरेक्ट ये पार्ट 1 की वीडियो रन कर जाएगी। ठीक है, तो इस पार्ट वन में हमने क्या डिस्कस किया था, तो अभी मैंने बताया कि हमने सबसे पहली जो वीडियो थी पार्ट 1 जो था उसमें 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था बेटा। कौन कौन सी थी, फर्स्ट हिट्रोजीनियस नेचर, किसका, कोलोइडल सॉल्यूशन का। सेकंड जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स। और थर्ड जो थी वो थी फिल्टरबिलिटी। तो हिट्रोजीनियस नेचर में बेटा हमने डिस्कस किया था कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो हिट्रोजीनियस नेचर होते हैं, दैट मींस उनमें जो दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक को डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल कहते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन के, एक को हम कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल। तो हमने कहा था कि जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है ऐसी कोलोइडल सोल के अंदर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स होते हैं। तो हमारा जो कोलोइडल सॉल्यूशन है अगर हम नेकेड आई से देखते हैं तो कभी भी हमें वो हिट्रोजीनियस नजर नहीं आता, वो हमेशा कैसा आता है बेटा नजर, होमोजीनियस, है ना। जैसे मिल्क का मैंने आपको एग्जांपल उस समय बताया था कि मिल्क के अंदर क्या है, आपका फैट पार्टिकल्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं, तो क्या आपको फैट पार्टिकल्स और जो वाटर है क्या वो डिफरेंशिएट होते हुए नजर आते हैं, क्या वो अलग अलग नजर आते हैं, बिल्कुल नहीं, तो वो होमोजीनियस है। अगर हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं तो बेटा आपको फैट पार्टिकल्स वाटर के अंदर मूव करते हुए नजर आएंगे। तो हम यही कहते हैं कि नेकेड आई से ये हमेशा जो कोलोइडल सोल है वो हिट्रोजीनियस होता है, बट अंडर माइक्रोस्कोप इट इज हिट्रोजीनियस नेचर, हैविंग हेटेरोजेनियस नेचर, क्लियर। सेकंड हमने विस्कोसिटी की बात की थी, किनकी की थी, डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स की, कि वो कितने विस्कस होते हैं, क्या उनकी जो मूवमेंट है वो कैसे डिपेंड करती है, तो सारे का सारा मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था। फिर हमने फिल्टरबिलिटी के बारे में भी एक्सप्लेन किया था, तो हमने कहा था नॉर्मल फिल्टर पेपर कभी भी कोलोइडल सॉल्यूशन को कोलोइडल सॉल्यूशन की फिल्ट्रेशन के लिए यूज नहीं होता है, हमें एक अलग से एक स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर बनाना पड़ता है, जिसका नाम मैंने आपको उसमें बताया था अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ठीक है, जो कोलोइडल के अंदर नॉर्मल फिल्टर पेपर को क्या करो, कोलोइडल के अंदर डिप करो, जिससे क्या होगा उसके पोर्स फिल होने लग जाएंगे, और जैसे ही फिर उसको हम फॉर्मल्डिहाइड में ऐड करेंगे जिससे उसके वो जो पोर्स फिल हुए हैं वो हार्ड हो जाएंगे। तो ऐसा फिल्टर पेपर क्या कहलाता है हमारा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर कहलाता है, जिससे हम फिल्टरबिलिटी की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमने तीन पार्ट, फर्स्ट में जो आई थी वीडियो, पहली जो वीडियो आई थी अबाउट द कोलोइडल सॉल्यूशन, उसमें हमने तीन प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो पार्ट सेकंड है, ये हम कह सकते हैं सेकंड पार्ट का मतलब सेकंड वीडियो जो आपको मिलेगी, और वो सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगेन फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी कोलोइडल सॉल्यूशन की, जो दो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने यहाँ डिस्कस की थी, वीडियो लिंक मैं यहाँ ऐड करना ध्यान नहीं रहा, लेकिन आप जब फर्स्ट पे जाओगे तो सेकंड आपको मिल जाएगा, तो कहीं कहीं मैंने वीडियो लिंक दे रखा है, कहीं कहीं नहीं है, तो आप अपने आप सर्च कर लेना, क्योंकि एक बार जब आप देखोगे पूरी की पूरी लिस्ट वहां बनी मिलेगी वीडियो की।
तो इसमें दो प्रॉपर्टी जो हमने यूज की थी बेटा, दो प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की थी वो कौन सी थी? कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उसमें जो कोलोइडल पार्टिकल्स है यानी कि डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स है उनके साइज हमेशा कलर को अफेक्ट करता है ना। जैसे जैसे साइज ग्रो होता जाएगा, जैसे साइज बढ़ता जाएगा, तो कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन भी बढ़ता चला जाता है, सॉरी चेंज होता चला जाता है, बढ़ता हुआ नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे, चेंज होता चला जाता है। नेक्स्ट जो है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम सब जानते हैं ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, तो यहां ये किसकी हम इसमें डिस्कस करेंगे, हम कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां ज्यादा आप कह सकते हो कि ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं हो पाती है क्योंकि साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है सॉल्यूशन के पार्टिकल के कंपैरिजन में। तो हमने ये भी पढ़ा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एक अच्छी प्रॉपर्टी हम कंसिडर करते हैं, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंसिडर करते हैं, जिससे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए या इनकी जो मास है हमको कैलकुलेट करने में हमें हेल्प मिलती है। तो सेकेंड वीडियो में हमने ये दो प्रॉपर्टी जो थी वो डिस्कस की थी, बाकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर बना रखी है, तो अगर एक बार आप वीडियो पे जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आई थी हमारी थर्ड वीडियो पार्ट 3 के नाम से। अगेन इसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी लेकिन उसको मैंने एक अलग नाम दिया था। उसमें हमने कवर किया था ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन और उसका लिंक मैंने यहाँ आपको दे रखा है। तो उसमें हमने पढ़ा था टिंडल इफेक्ट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिंडल इफेक्ट, और मैंने आपको बताया था ये बहुत आता है एग्जाम के अंदर। तो क्या क्या आते हैं, तो टिंडल इफेक्ट में सबसे पहले तो इसकी आप टर्म को एक्सप्लेन करना आपसे पूछ सकते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या है। तो हम सब जानते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या है, जिसमें स्कैटरिंग होती है ना। कौन करता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट? बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स इन ए कोलोइडल सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। फिर हमने सेकंड पढ़ा था कोज क्या है, तो कोज यही है कि जो डिस्पर्स फेस पार्टिकल्स है उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है ना, 1 नैनोमीटर से 1000 के बीच में, इसलिए बड़े आराम से वो लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। फिर हमने पता की थी कंडीशंस कि क्या हर कोई कोलोइडल सोल क्या या कोई सस्पेंशन या सॉल्यूशन क्या वो कर सकता है यहाँ पे टिंडल इफेक्ट? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं कर सकता, कंडीशंस अप्लाई होती है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसमें डिफरेंस होना चाहिए डिस्पर्स फेस डिस्पर्जन मीडियम में। तो 2-3 कंडीशंस थी जो हमने वहां डिस्कस की थी इस वीडियो के अंदर। फिर थी एप्लीकेशंस के टिंडल इफेक्ट से क्या होता है, तो सबसे जो मेन एप्लीकेशन है टिंडल इफेक्ट की यही है कि हम ट्रू सॉल्यूशन को और कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं बेटा, डिफरेंशिएट कर सकते हैं बड़े इजीली। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी एप्लीकेशन है, बाकी और भी सारी चीज है कि क्यों मिल्क जो है वो ब्लू नजर आता है समथिंग, ये मैंने काफी सारे आपको एप्लीकेशन इसमें डिस्कस किए हुए। और दूसरा फिर क्या था एग्जाम्पल्स कि कहाँ कहाँ टिंडल इफेक्ट आपको ऑब्जर्व होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस टॉपिक को टिंडल इफेक्ट को क्वेश्चन फॉर्म में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि बोर्ड में आपको क्वेश्चन कैसे मिल सकते हैं, तो जस्ट पहले क्वेश्चंस लिखें, जस्ट उसके नीचे हमने आंसर को डिस्कस किया है। तो इस टॉपिक को जाके बड़ी अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ना, बहुत ही डिटेल के अंदर मैंने ये टॉपिक प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट फिर आया था पार्ट 4 जो कि क्या था हमारा, अगेन एक और प्रॉपर्टी थी जिसका नाम था मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसे ही नाम आ जाता है तो वो कौन होगी, हमारी ब्राउनियन मूवमेंट। क्या होगी? ब्राउनियन मूवमेंट। तो जैसे आपको यहाँ पे फिगर में नजर आ रही होगी, ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, एक zigzag कंटीन्यूअस मोशन है किनका, डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स का। तो सबसे पहले इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ब्राउनियन मूवमेंट एक्चुअली है क्या, इस टर्म को एक्सप्लेन कैसे कर, दैट मींस मीनिंग ऑफ द टर्म ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये आपने 9th क्लास में पढ़ी थी और अब आपको इसमें मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। सेकेंड है कोज, कोज का मतलब ब्राउनियन मूवमेंट का क्या रीजन है। तो हमने कहा था कि कंटिन्यूअसली वहां कोलिजन होता रहता है बिटवीन द डिस्पर्स फेस पार्टिकल एंड विद द डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल, जिससे इनकी डायरेक्शन रेंडमली होती चली जाती है, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती चली जाती है, एक फिक्स डायरेक्शन को ये फॉलो नहीं कर पाते हैं। देन फिर इसकी हमने पढ़ी थी सिग्निफिकेंस कि ब्राउनियन मूवमेंट से क्या सिग्निफिकेंट होता है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या सबसे इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस हमें पता चली थी वो ये थी कि किसी भी कोलोइडल सोल की स्टेबिलिटी के लिए ब्राउनियन मूवमेंट एक मोस्ट 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 टर्म है, या आप कह सकते प्रॉपर्टी है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है,
ठीक है, और हो सके तो बेटा टिंडर इफेक्ट है, ब्रॉनियन मोमेंट है, अगर आपके कोई नॉन है जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां ये टॉपिक भी आता है, तो उनके साथ भी आप इनको शेयर कर सकते हैं, इन वीडियोस को शेयर कर सकते हो जो कि मैंने पार्ट 4 के नाम से वहां बना रखी है, या मैकेनिकल प्रॉपर्टी के नाम से। तो जो भी आपका नॉन है जो 9th क्लास में आया है और आपको पता है क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं 12th क्लास में हो, तो जिसको भी लगता है कि हाँ 9th वाले बच्चे को शेयर करनी चाहिए, 9th वाले बच्चे को पता होना चाहिए कि कैसे, तो इसमें मैंने बिल्कुल डिटेल्ड में क्वेश्चन फॉर्म में उनको वहां समझाया हुआ है। तो अच्छी बात है कि 9th वाले को और भी कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा समझने के लिए, ठीक है। तो जो आपको लगता है तो शेयर इसको जरूर कर देना, क्लियर। नेक्स्ट जो था हमारा फिर था पार्ट 5th, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट था। तो इसमें लिखा हुआ है पार्ट 5th में हमने ऑलरेडी क्या लर्न किया है अबाउट कोलोइडल सॉल्यूशन। तो क्या क्या लर्न किया, तो कुछ हमने यहाँ पे चीजें दी हैं। फर्स्ट क्या हमने यहाँ डिस्कस किया था इस पार्ट 5th में, जब 5th पार्ट की वीडियो आई थी, इसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द कोलोइडल पार्टिकल। तो हमने कहा था कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। अब आप बोलोगे चार्ज कहाँ से आया, तो याद करो मैंने इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया, लेकिन जस्ट फिर भी एक बार बता देता हूँ कि जब पेप्टाइजेशन हो रही थी तो पेप्टाइजेशन में बेटा एक पर्टिकुलर आयन उसकी सरफेस पे एडजोर्ब हो गया था, और उसी एडजोर्ब आयन के कारण जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, ठीक है। फिर सेकंड हमने पढ़ा था, क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ा था कि क्या जो चार्ज है कोलोइडल पार्टिकल्स पे क्या वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, तो हमने कहा था बिल्कुल कर सकता है। क्यों, क्योंकि सेम चार्ज होने के कारण कोलोइडल पार्टिकल्स कभी भी एक दूसरे की तरफ मूव नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे तो एसोसिएट नहीं होंगे, एसोसिएट नहीं होंगे तो बॉटम पे कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज। तो हमने पढ़ा था कोलोइडल सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं। तो दो तरह के हमने कोलोइडल सॉल के बारे में पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता रखा कौन कौन से नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन होते हैं, कौन कौन से आपके पॉजिटिव चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन हो सकते हैं, और साथ में मैंने यहाँ फिगर दे रखा आपको, ये फिगर भी इस वीडियो में आपको जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें सिर्फ इतना बता रखा है कि कैसे एक पर्टिकुलर चार्ज आते हैं, तो एक चार्ज को एडजॉर्ब किया जाता है, जो रिमेनिंग चार्ज है वो डिस्पर्जन मीडियम में आपको वहां मिलता है, जिसको हम काउंटर आयन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, फिर हमारी जो 6th वीडियो आई थी बेटा, उसके अंदर हमने पढ़ी थी थ्योरीज। किसके बारे में पढ़ा था, थ्योरीज जो बताती हैं, एक्सप्लेन करती हैं ओरिजिन ऑफ चार्ज, और किस पे था वो ओरिजिन ऑफ चार्ज, ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स, के जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर चार्ज कहां से आया। तो कुछ थ्योरीज थी जिसने इन चीजों को एक्सप्लेन किया। तो जो पहली थी वो थी ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ द एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोलाइट्स। सेकंड जो थी ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। और जो लास्ट थी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली दोनों पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सी वाली यानी कि थर्ड वाली आपको 101% पढ़ के जानी है, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। और वो क्या था, ड्यू टू सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस या ड्यू टू प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम द कोलोइडल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक आयन को, एक आप कह सकते हैं पर्टिकुलर आयन को ही अपनी सरफेस पे क्या करते हैं, एडजॉर्ब करते हैं। अब बात आती है किसको करेंगे, तो जो एक्सेस में होगा और जो कॉमन होगा उसी आयन को कोलोइडल पार्टिकल अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब करते हैं। जैसे मैंने एक रिएक्शन या जस्ट एक रिवीजन के लिए आपके रिएक्शन याद रखी है, AgNO3 प्लस KI, या जो AgNO3 है बेटा वो लेस क्वांटिटी में है, KI आपकी एक्सेस क्वांटिटी में। जब दोनों को मैं मिक्स करूंगा तो AgI कोलोइडल सोल बनेगा, है ना। अब AgI नेगेटिवली चार्ज हो गया, क्यों हुआ, देखो दोनों में से एक्सेस कौन है बेटा, KI। अब KI में दो आयन है, K पॉजिटिव और I नेगेटिव। अब AgI किसको लेगा, तो AgI KI में देखेगा कौन सा कॉमन आयन है, तो AgI में Ag और I है, KI में K और I है, इसका मतलब AgI I आयन को अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब करेगा, इसलिए AgI यहाँ कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्व हो जाएगा, क्लियर हुआ। तो ये प्रॉपर्टीज मैंने इसमें, सॉरी थ्योरीज जो थी मैंने इसमें एक्सप्लेन की थी, डिस्कस की थी, तो आप जरूर इस वीडियो को देखना, क्लियर हो जाएंगे कि कोलोइडल पार्टिकल्स पे कैसे चार्ज जो है वो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी, जब हमने थ्योरीज पढ़ ली थी, प्रॉपर्टी कह रहा हूँ सॉरी, वीडियो जो थी हमारा पार्ट 7th जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि
जब चार्ज पार्टिकल पे आ गए हैं तो उस चार्ज के कारण वो अपनी एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो जो सबसे ज्यादा पेपर के अंदर आती है वो दो आती है, कौन कौन सी, फर्स्ट और थर्ड। कौन सी आएगी बेटा, फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। जस्ट इसके नीचे मैंने इसका फिगर भी बना रखा है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। तो मैंने यहाँ टर्म को एक्सप्लेन भी किया था कि द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल चार्ज पार्टिकल्स टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दैट मींस कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो हमेशा चार्ज होते हैं, तो वो हमेशा किसकी तरफ मूव करेंगे, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे और जाकर वहां डिपॉजिट हो जाएंगे। ऐसी प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेकंड जो थी वो क्या थी बेटा, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इसमें क्या था, कोलोइडल सोल लिया, ऑस्मोसिस का मतलब आप जानते हो कि आपने दोनों तरफ क्या की, मेम्ब्रेन को अप्लाई कर दिया, एक तरफ कैथोड लगा दिया एक तरफ एनोड लगा दिया, जिससे क्या होंगे जो वाटर पार्टिकल्स हैं या जो हम कह सकते हैं आपके डिस्पर्जल मीडियम पार्टिकल्स है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो चार्ज होते हैं, तो अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स पे डिस्पर्जल मीडियम मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोलोइडल यानी कि डिस्पर्स फेज पार्टिकल मूव करते हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में डिस्पर्जल मीडियम पार्टिकल मूव करते हैं। Now third, जो कि काफी important है, exam में कई बार आ चुकी है, that is electrical double layer or zeta potential। ये क्या होती है? तो देखो ऊपर मैंने जो figure आपको दिखाया है, ये खुद मैंने draw किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे है कि आपको देखो AGI सबसे सेंटर में है, AGI ने अपने सरफेस पे आई नेगेटिव को एडजोर्ब किया है। बताया था मैंने एक पर्टिकुलर आई को क्या किया जाता है बेटा, एडजोर्ब किया जाता है, और जैसे आई नेगेटिव एडजॉर्ब हुआ तो जो डिस्पर्जन मीडियम है उसमें AGI घूम रहा है तो वो भी उसके सरफेस पे एडजॉर्ब होगा। दैट मींस AGI जो कोलोइडल पार्टिकल है या डिस्पर्स फेस पार्टिकल है वो अपने सरफेस पे दो तरह की आयंस की लेयर बना देता है, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। ठीक है, तो जो नेगेटिव है वो एडजॉर्ब है, दैट मींस वो परमानेंटली वहां प्रेजेंट होगा, तो हम क्या कहेंगे, दैट आई नेगेटिव फॉर्म फिक्स्ड लेयर। And the Ag positive is a mobile or diffuse layer because it is the dispersion medium particle. ठीक है, तो देखो अब AGI के दो यहाँ लेयर बन गए, एक नेगेटिव चार्ज की एक पॉजिटिव चार्ज की। तो जब दो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में अटैच होंगे तो उनके बीच में पोटेंशियल डेवलप होगा और उसी डेवलप पोटेंशियल को हमने किसका नाम दिया, जीटा पोटेंशियल। तो काफी कुछ मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है प्रॉपर्टीज के बारे में, वीडियो में और डिटेल में गए और क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं और क्वेश्चन आपको दिए भी हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है, कईयों ने मेरे को भेजे भी हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करके, मैंने आंसर भी दिया उनका। तो बेटा जिन्होंने अभी तक नहीं सॉल्व किया है प्लीज 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 जाकर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और जो NCERT क्वेश्चंस है इस चैप्टर के वो अपनी नोटबुक में लिख लो, कंप्लीट कर लो, फायदा आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है पार्ट एट। पार्ट एट के अंदर जो या वीडियो नंबर एट जो थी उसमें हमने अगेन डिस्कस किया था कुछ कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फर्स्ट थी कोएगुलेशन ऑफ कोलोइडल। कोएगुलेशन का मतलब क्या था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कब, बाय एडिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट। जैसे इसमें आप देख रहे हो बिफोर एंड आफ्टर, तो बिफोर में कोलोइडल सोल है, आफ्टर में क्या हुआ, देखो सारे जो डिस्पर्स पार्टिकल है वो बॉटम पे इकट्ठे हो गए, इसका मतलब प्रेसिपिटेट बन गए। फिर हमने इसमें डिस्कस किया था मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन कि क्यों ऐसा होता है, क्या मैकेनिज्म है, क्या इसके पीछे प्रोसेस अप्लाई होती है, क्यों ऐसा होता है, वो सब हमने मैकेनिज्म में किया था। फिर हमने पढ़ा था हार्डीज रूल्स लॉ, तो उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि हार्डीज रूल्स लॉ के अंदर कि कौन से आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोएगुलेशन के लिए। तो हमने कहा था जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं या आयन्स ऑफ एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी वेदर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी वहां पे कोगुलेट करने की टेंडेंसी होगी। फिर हमने देखा था जो आयंस हमने पढ़े थे, इलेक्ट्रोलाइट जो पढ़े थे उनके फ्लक्चुएशन वैल्यू के बारे में पढ़ा था कि किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और यहां से क्वेश्चन बहुत मिलता है आपको एग्जाम के अंदर। तो फ्लक्चुएशन वैल्यू और हार्डी स्कूल लोगों को एक बार जाकर जरूर से जरूर जाकर चेक करना, ठीक है, पढ़ना उसको। और लास्ट जो था वो था कोएगुलेशन टेक्निक्स, दैट मींस कौन कौन से ऐसे मेथड्स है बेटा जिसको हम अप्लाई करके किसी भी कोलोइडल सोल में कोएगुलेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, तो वहां भी ये सारे टेक्निक्स मैंने डिस्कस की हुई है। तो इस वीडियो के अंदर आपको ये 5 पॉइंट्स जो थे इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट थी हमारी वीडियो नंबर 9, है ना, पार्ट 9 के नाम से मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो इसके अंदर क्या थी, इसके अंदर हमने डिस्कस किया था प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स,
कि जो कोलोइड्स है वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं, लेकिन कौन से? लियोफोबिक, ध्यान रखना, लियोफिलिक नहीं, लियोफोबिक। तो लियोफोबिक कोलोइड्स इज ऑलवेज प्रोटेक्टिव बाय द लियोफिलिक कोलोइड्स। व्हाई? देखो आप फिगर में देख रहे हो, लियोफोबिक पार्टिकल्स हैं, इनके चारों तरफ कौन अटैच हो गए सरफेस पे? लियोफिलिक पार्टिकल्स अटैच हो गए, जिसके कारण क्या होगा, ये इसको प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि लियोफिलिक बड़े आराम से उस डिस्पर्जन मीडियम में, किसी भी स्पेसिफिक डिस्पर्जन मीडियम, बड़े आराम से डिसोल्व हो जाता है। तो जब लियोफिलिक प्रोटेक्टिव पार्टिकल्स डिसोल्व हो जाएंगे, तो अपने साथ साथ वो किसको डिसोल्व स्टेट में रखेंगे? लियोफोबिक। तो यही इसका मैकेनिज्म था, यही वहां मैंने डिटेल्ड में इसको एक्सप्लेन किया। देन इंपॉर्टेंट गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर के लिए हमने क्या कहा था? इट इज द अमाउंट, इट इज द वेट इन मिलीग्राम ऑफ लियोफिलिक प्रोटेक्टिव पार्टिकल्स या सोल पार्टिकल्स। ठीक है, जो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। किसको रोकते हैं? कोएगुलेशन को रोकते। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? गोल्ड नंबर, जो वेट होता है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था किसके लिए यूज होता है? गोल्ड सोल के लिए होता है। किसके लिए यूज होता है? गोल्ड सोल के लिए। तो गोल्ड सोल में जब आप NaCl डालते हो 1 ml 10% का, तो गोल्ड सोल क्या हो जाता है? वहां पे कोगुलेट होने लग जाता है। तो उसको रोकने के लिए जो प्रोटेक्टिव कोलोइड्स यूज करते हैं मिलीग्राम अमाउंट में, वही उसका गोल्ड नंबर कहलाता है। तो हमने कहा था जिलेटिन का गोल्ड नंबर सबसे हाईएस्ट होते हैं, यानी कि जिलेटिन के अंदर प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज्यादा होती है। फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल छोटा सा मैंने डिस्कस किया था। फिर आपके पास आ जाता है वीडियो नंबर 10, जिसके अंदर हमने डिस्कस की थी कुछ अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी टर्म्स जो एग्जाम में सीधी सीधी वन मार्क्स के लिए आती है। तो फर्स्ट इज द इमल्शन। तो हमने कहा था टू इनविजिबल लिक्विड्स जो आपस में मिलते हैं, हम मिलकर क्या बनाते हैं? इमल्शन बनाते हैं। लेकिन किसकी हेल्प से? इमल्सिफाइंग एजेंट की हेल्प से, क्योंकि दोनों इनविजिबल है तो मिक्स तो होंगे नहीं। तो किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी बेटा? इमल्सिफाइंग एजेंट की। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है, जो सोल बनाने, सॉरी इमल्शन बनाने में यूज होते हैं। टाइप्स ऑफ इमल्शन मैंने बताया था दो तरह के होंगे, वॉटर इन ऑयल, है ना, और दूसरा क्या था? ऑयल इन वॉटर। तो वॉटर इन ऑयल के अंदर क्या होगा? देखो ये आपको ड्रॉप नजर आ रहे हैं, तो ये किसमें प्रेजेंट होंगे? ऑयल के अंदर। तो जो ये कलर है ऑरेंज कलर जो आपको नजर आ रहा है, ये ऑयल का है। वॉटर पार्टिकल कैसे? ब्लू वाले, यहाँ ब्लू वॉटर है, यहाँ क्या है? ऑयल। दोनों इमिसिबल है, ठीक है, लेकिन बीच में हम क्या यूज करते हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं, जिससे ये दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा था कि टाइप्स ऑफ इमल्शन कैसे पता लगाते हैं। तो वहां डिफरेंट इफेक्ट हमने पढ़ी थी, डाई टेस्ट पढ़ा था हमने, वहां पे एक कंडक्टिविटी टेस्ट को पढ़ा था, है ना, या डाई टेस्ट के बेस पे भी हमने किया था, या हमने डायल्यूशन मेथड पढ़ा था जिससे हम देखते हैं कि कौन सा इमल्शन है, ये ऑयल इन वॉटर है या वॉटर इन ऑयल है। नेक्स्ट था हमारा डीमल्सिफिकेशन, इसमें क्या था कि इमल्शन को रिमूव कर देना, मींस सेपरेट आउट कर देना। तो इमल्शन की रिवर्स जो प्रोसेस है वो क्या होगी? डीमल्सिफिकेशन। तो इसकी टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन किया था और मेथड्स आपको बताए थे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो यूज होते हैं क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। क्लियर हुआ? तो यहां तक आपका कोलोइड सॉल्यूशन का पूरा जो चैप्टर था कंप्लीट हो चुका था। मैक्सिमम मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किए थे, पूरे पूरे टॉपिक मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में बनाए थे, तो जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट जो आई थी वीडियो वो मैंने स्टार्ट की थी बेटा चैप्टर सेकंड की, यूनिट सेकंड की, जिसका नाम था सॉल्यूशन। ठीक है, जो पार्ट वन मैंने ऐड किया था या जो वीडियो फर्स्ट थी वो क्या थी? तो पार्ट वन के अंदर हमने सॉल्यूशन के अंदर स्टार्ट किया था कि व्हाट डू यू मीन बाय द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन है क्या, उसको मैंने डिफाइन किया था। उसके अंदर सॉल्यूशन के मैंने कंपोनेंट्स को डिफाइन किया था, एक हमारा सॉल्वेंट था, एक सॉल्यूट था, उसके बारे में मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन की थी। देन मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन किया था, जिसमें लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन सबके बारे में डिस्कस किया था विद एग्जांपल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन जरूर पढ़ लेना बेटा, क्योंकि कई बार क्या होता है एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, एक टर्म लिख देते हैं, एक चीज लिख देते हैं, जैसे अमलगम लिख दिया, तो आपसे पूछ सकता है चार ऑप्शन देके ये कौन सा, या इसमें कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है। तो इनकी क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल जो मैंने बताया था उनको अच्छी तरह से डिटेल में आप पढ़ लेना। नेक्स्ट फिर मैंने आपको कहा था कि सॉल्यूशन तो बन गए, लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड हमें प्रोवाइड किए गए। तो पहला जो मेथड था उसका नाम क्या है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है? ग्राम पर लीटर। क्या है स्ट्रेंथ? ग्राम पर लीटर, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ग्राम्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, दैट टर्म इज कॉल्ड स्ट्रेंथ।
नेक्स्ट क्या है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि कितनी परसेंटेज या 100 ग्राम में कितनी अमाउंट सोल्यूट की प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज। डब्ल्यू बाई डी का मतलब डब्ल्यू ऊपर है तो हम कहेंगे अमाउंट क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सोल्यूशन। फिर था वी बाई वी, इसमें था वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सोल्यूशन। फिर था पीपीएम, याद होगा तो ये क्या थी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट है ना, पार्ट्स बाई मास और वॉल्यूम प्रेजेंट इन द 10^6 पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन। 10^6 पार्ट्स में बाई मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में कितने पार्ट्स बाई मास और वॉल्यूम किसकी प्रेजेंट है सोल्यूट। अब इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई थी, हार्डनेस को मेजर करने के लिए, एयर में पोल्यूटेंट्स को मेजर करने के लिए हम इस कंसंट्रेशन टर्म का यूज करते हैं। फिर हमने कहा था मास फ्रैक्शन, तो मास फ्रैक्शन के अंदर क्या था कि किसी भी कंपोनेंट का, ये एक्चुअली रेशियो होता है, किसी एक कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ ऑल कंपोनेंट। फिर मैंने सेकंड वीडियो बेटा अपलोड की थी अबाउट द सॉल्यूशन, और उसके अंदर हमने क्या किया था, सेकंड पार्ट के अंदर हमने वहां पे ऐड किया था क्या, मोलैरिटी और मोलैलिटी। ठीक है, तो यहां पे देखो ये गलती से वन हो गया, टू रखना इसको, तो ये क्या है आपका पार्ट टू। तो एक मिनट, उड़ गया ये, दोबारा बुला लेते हैं इसको, हाँ पार्ट सेकंड में। तो इसमें देखो हमारी क्या थी, मोलैरिटी थी कैपिटल एम, तो इसमें क्या था कैपिटल एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर इसके ऊपर मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, मेडिकल फॉर्मुलेशन भी बताई थी, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए है ना। फिर थी मोलैलिटी, मोलैलिटी के अंदर क्या था, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट, तो इसके बारे में डिस्कस की थी। फिर मोलैलिटी की डाइल्यूट वाली एक इक्वेशन की थी, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन की हमने इक्वेशन की थी है ना, मोलैलिटी के बारे में डिस्कस किया था, मोलैलिटी और मोलैलिटी के बीच का रिलेशन हमने पूरा एक्सप्लेन किया था। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको काफी इक्वेशंस, काफी रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे। और फिर थी आपकी, उड़ गया हाँ, फिर था पार्ट थर्ड आपका, वो क्या था आपका सॉल्यूशन है ना। थर्ड पार्ट के अंदर क्या थी वीडियो के अंदर, अगेन इसमें हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया था। तो इसमें हमने 8th और 9th टर्म पढ़ी थी, 8th टर्म जो थी उसका नाम क्या था, नॉर्मेलिटी दैट इज कैपिटल एम, और इसमें क्या पढ़ा था हमने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें एक नई चीज आई थी हमारे पास, उसका नाम था इक्विवेलेंट मास, क्या नाम था, इक्विवेलेंट मास। क्लियर, तो जो हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंट मास हमने कैलकुलेट किया था या बताया था कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एन फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया था, एसिडिटी बेसिसिटी इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो नॉर्मेलिटी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जो एसिड बेस की न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में भी काफी यूज होती है। नेक्स्ट थी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या है, किसी भी मोल कंपोनेंट्स का रेशियो विद द टोटल मोल्स ऑफ द ऑल कंपोनेंट। और एक चलते चलते मैंने लास्ट में कहा था फॉर्मेलिटी भी एक टर्म्स होती है, जिसमें फॉर्मूला मास यूनिट यूज करते हैं फॉर आयनिक कंपाउंड्स। तो बेटा ये सारी की सारी वीडियोस थी जो मैंने अभी तक अपलोड की है, आपने देखी है, अगर नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखो, क्योंकि चैप्टर बड़ी इजिली कवर हो जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो मैं आपको स्क्रीन पे नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल पार्ट आएगा इन सब कंसंट्रेशन टर्म्स को। तो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है सब पे एक एक या दो दो न्यूमेरिकल मैं जरूर कराऊंगा, जिसके बाद आप अपने आप खुद ट्राई करना इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहने वाला हूँ बेटा, उसको जरा ध्यान से समझना, क्या कि उससे पहले एक चीज और देते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, ठीक है, मेरे को बताओ, नाम मेरा पता है आपको, नंबर मेरा पता है, और लास्ट में मैं आपको थैंक यू कहता हूँ फॉर वॉचिंग। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, लास्ट में जाते जाते कहने वाला हूँ क्या कि 11th की ऑर्गेनिक, 11th का इक्विलिब्रियम, 11th की केमिकल बॉन्डिंग, 11th का कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इन चैप्टर्स को बेटा बैठे बैठे जरूर सॉल्व करो। ठीक है, बात आती है क्यों सॉल्व करें, क्यों, क्योंकि जब आपका जेन के अंदर जी मेन्स का एग्जाम होता है या उसके बाद जी मेन्स का सेकेंड होता है तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो एक ये जो आपको टाइम मिला है बहुत गोल्डन टाइम है, गोल्डन आपको ये मान के चलो कि प्रीसियस टाइम है, जिसमें आप 11th को कवर कर सकते हो साइड बाय साइड, क्योंकि अभी इतना आपको आप ये कह सकते हो ना स्कूल जाना है, कुछ घर पे रहना है, तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो यूटिलाइज करो बेटा इस टाइम को। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।